सर गरीबी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कोई भी इंसान को कि हम गरीब है तो कुछ नहीं कर सकते, बस अपने पास मतलब एक हौसला होना चाहिए। लोग सोचते हैं कि नहीं ये जो है कि मतलब देखा जाए तो मतलब घर का एक बोझ लोग मानते हैं। हमारा मेहनत और हमारा हौसला और हमारा घर परिवार का सपोर्ट के अनुसार से जो है इतना हम आगे बढ़े। हम भी ये टारगेट बनाया कि नहीं मुझे भी एक दिन जो है इंडिया के लिए खेलना है और इंडिया को करके दिखाना है, उनको वर्ल्ड कप के साथ ही साथ जो भी सीरीज मिलता है वो मुझे करके दिखाना है। हमारे CM साहब से या तो फिर और कोई भी नेता हो, हम दिव्यांग जैसे प्लेयरों को आगे बढ़ाने के लिए उन लोग को आगे आने के लिए बहुत मतलब ज़रूरी है, वो मुझे सपोर्ट करे, वो मुझे हौसला बढ़ाए ताकि हम और बेटर कर सके अपने स्टेट और अपने देश के लिए। खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा भी बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। जी हाँ, इस वाक्य को सच कर दिखाया है रांची के लाल सुजीत मुंडा ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खुद सुजीत मुंडा। ये दिव्यांग हैं, यानी कि इनको दिखाई नहीं देता है, ये ब्लाइंड हैं, लेकिन इन्होंने जो कामयाबी हासिल की है वो किसी देखने वाले से कम नहीं है। यह हम इसलिए कह रहे हैं कि अब सुजीत मुंडा जो हैं वो T20 वर्ल्ड कप ब्लाइंड में भारतीय टीम के एक प्लेयर होंगे और अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर झारखंड का और देश का नाम रोशन करेंगे। कुल 11 देश इसमें शामिल हो रहा है और 4 दिसंबर को पहली बार मैदान में सुजीत मुंडा को हम सभी क्रिकेट खेलते हुए देखेंगे। हाँ, बिल्कुल ये आश्चर्य लग रहा है कि ब्लाइंड होने के बावजूद सुजीत जो है वो क्रिकेट कैसे खेल लेते हैं और बेहतरीन बॉल कैसे डालते हैं। तो ये मैदान है जहाँ सुजीत मुंडा डेली प्रैक्टिस के लिए पहुँचते हैं और घंटों पसीना बहाते हैं। सुजीत से ही जानते हैं, सुजीत कैसे ये कामयाबी हासिल हुई, कितना मेहनत करना पड़ा है? सर मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के द्वारा कि मैंने जो है इस क्रिकेट में जो ब्लाइंड क्रिकेट है इसमें मैंने करीबन 8 साल गुजारा है, तब जाके मुझे ये कामयाबी मिली है। बट इससे पहले मैंने जो है इंडिया के लिए खेल रखा है, 3-4 सीरीज मैंने खेला है, पर ये बहुत बड़ी उम्र मौका मुझे मिला है वर्ल्ड कप के लिए जो इंडिया होस्ट कर रही है कुल टोटल 11 कंट्री को। कहाँ कहाँ खेले हैं अब तक? सर मैंने जो है 2020 में बांग्लादेश टूर गया था जिसमें ट्रायंगलर सीरीज हुआ था इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश की। उसके बाद मैं दुबई का सफ़र किया था जिसमें मैंने ट्रायंगलर सीरीज वहाँ भी खेला। साथ ही साथ आपका ये साउथ अफ्रीका मैंने गया था, वहाँ भी खेला। फिर इंडिया होस्ट खुद की थी भोपाल में। तो चार सीरीज मैंने इंडिया के लिए खेल रखा है और इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा कि मुझे वर्ल्ड कप में ये खेलने का मौका मिला। क्रिकेट जो कहते हैं वो देखकर खेलने का चीज़ है, लेकिन आप कैसे इसको संभव किए कि दिखाई नहीं देने के बावजूद भी आप इतने फास्ट बॉलर हैं, एक ऑलराउंडर प्लेयर बने हैं, कैसे संभव किए? सर मैंने इसमें बहुत परिश्रम किया है, स्कूल थ्रू से ही मैंने बहुत जो मतलब परिश्रम किया। 2005 से ही 2011 तक मैंने जो है स्कूल लेवल बहुत खेला, साथ ही साथ मैं एथलेटिक्स भी करता था। तो एथलेटिक्स में मैं अपने इंडिया के लिए मेडल भी लाया है, जो मतलब अमेरिका जाकर के 2 गोल्ड मेडल भी लाया था। उसके बाद मैंने एथलेटिक्स छोड़ करके जो है क्रिकेट कप में ज़्यादा फोकस किया और इसमें बहुत मेहनत किया। और बात रही खेलने का, तो जो है जो हमारी जो बॉल होती है ना वो बिल्कुल मतलब आवाज़ करती है, मुझे जो है आवाज़ को फोकस करना पड़ता है तब जाके जो है वो हो पाता है। सामने जो प्लेयर होता है तो वो कैसे समझते हैं कि स्टाम्प वहीं है, प्लेयर बैट्समैन जो है वो यहीं पर है, वो कैसे पता चलता है? बढ़िया, आपका बढ़िया क्वेश्चन है। सो ऐसा है कि मतलब जो यदि मान के चले हम बॉलर हैं, हम जो है बॉलिंग कर रहे हैं अदर बैट मतलब बैट्समैन को, तो जो हमारे विकेट कीपर होती है मुझे उसके आवाज़ पे मतलब फोकस करना पड़ता है। पहले जो है वो मुझे डायरेक्शन बताएंगे कि आपका लेंथ कहाँ जा रहा है, मेरे हैंड देखेंगे, उस टाइप से जो है मैं पहले पूछूंगा कि मुझे ये जो मेरा हैंड है ये ऑफ स्टम्प है या लेग स्टम्प या मिडिल पे है, इस टाइप का मैंने जो है उनका आवाज़ पे फोकस करते हैं, तब जाके हम लोग जो है बॉल डालते हैं। इतना हिम्मत कहाँ से मिलता है? सुजीत से अगर हम इस सक्सेस के पीछे राज जानने की कोशिश करें तो इतने आपको ताकत कहाँ से इतना मिलता है कि इस कामयाबी तक, इस सफ़र को आपने तय किया? मैंने सर पहले ही एक ठान लिया था कि मुझे जो है इंडिया के लिए खेलना है या इंडिया की जर्सी मुझे पहनना है।
मेरा एक सपना था, पहले भी मेरा झारखंड से एक लड़का जो है वर्ल्ड कप खेल रखे थे 2014 में, जो साउथ अफ्रीका में हुआ था, तो उसके द्वारा मुझे पहला बार कॉन्टेक्ट किया गया। तो मैं भी सोचा कि जब ये कर सकता है तो क्यों ना हम कर सकते हैं। मेरे हम भी ये टारगेट बनाया कि नहीं, मुझे भी एक दिन जो है इंडिया के लिए खेलना है और इंडिया को करके दिखाना है, और उनको वर्ल्ड कप के साथ ही साथ जो भी सीरीज मिलता है वो मुझे करके दिखाना है। सुजीत, ये बताइए, लोग कहते हैं कि दिव्यांगता जो है वो लोगों को मजबूर करता है, सक्सेस नहीं होने देता है, लेकिन इस चीज़ को आप उल्टा कर दिखाया कि दिव्यांगता कहीं से भी आपके सपनों को पूरा करने में बाधक नहीं हो सकता है। हाँ बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है सर, कि अभी भी देखा जाए तो ऐसे ऐसे ज़िले में जो है बहुत सारे लड़का लड़कियां जो है अभी उनको मालूम नहीं कि हाँ हमारे भी पढ़ाई होती है। बहुत लोगों को नहीं मालूम है, जिसको मालूम हो जाता है तो मतलब वो तो इसी तरह जानकारी लेने के बाद जो है स्कूल में लाते हैं। पर अभी भी बहुत सारे इतने लोग हैं जो ऐसे भी मतलब पड़े हुए हैं घर पे ऐसे भी, और लोग सोचते हैं कि नहीं ये जो है कि मतलब देखा जाए तो मतलब घर का एक बोझ लोग मानते हैं। पर हम चाहेंगे कि ऐसा कोई भी मतलब ना समझे कि हाँ वो बोझ है। यदि आप उनको किसी तरह कोई जानकारी हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो किसी तरह से भी कि हाँ इनका पढ़ाई ज़रूर होता है, अब इनको जानकारी लो। ताकि अभी देखा जाए तो पहले क्या था, 2005-06 में एक ही हमारे जिला जो रांची जिला में एक ही स्कूल थी। अभी जो है गुमला में हो या बेड़ो में हो या तो रांची में हो या तो जमशेदपुर में हो, बहुत सारे जगह जो है हमारे दिव्यांगों को पढ़ाने के लिए सुविधा हो चुकी है। सो हम चाहेंगे कि यदि वो बोझ समझते हैं तो कॉन्टेक्ट करें, चाहे आपके चैनल के द्वारा या तो कोई लड़का के द्वारा कॉन्टेक्ट कर सकते हो तो उनको पढ़ाने के लिए मतलब रास्ता बता दिया सकते। पढ़ाई की बात की आपने, तो कहाँ तक का पढ़ाई तो आपने पूरा है? पहले बार तो मैंने रांची से पढ़ाई की 10th तक, फिर साथ ही साथ मैं दिल्ली गया, दिल्ली में जो है फिर मैंने अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। आगे क्या करना है, क्रिकेट में ही कंटिन्यू करना है कि पढ़ाई पर भी? क्रिकेट भी खेलना है, साथ ही साथ पढ़ाई भी में ध्यान देना है। घर में कौन कौन लोग हैं? घर में हमारे 4 भाई हैं जिसमें हम छोटे हैं, और हमसे जो 3 हैं वो बड़े हैं, और पापा हैं, मम्मी गुजर गई, और हमारे परिवार हैं, वाइफ हैं, 2 बच्चे हैं। घर वालों का क्या सपोर्ट मिलता है? क्या ये कहते हैं कि क्रिकेट खेलना बेकार है, तुम कहाँ इतना मेहनत करते हो, कुछ और कर लो तो अच्छा होगा? ऐसा कुछ नहीं था, ये मेरा सपना मेरी मम्मी का भी थी कि कहीं ना कहीं मतलब कोई भी जगह से मतलब आगे बढ़ जाए। जैसे क्रिकेट को भी देखा जाए तो मेरा परिवार बहुत सपोर्ट करती है कि आप किसी तरह मतलब जो है आगे बढ़ो जैसे भी हो सके। ऐसे भी देखा जाए तो मैं सबसे मतलब देखा जाए तो मतलब गरीब परिवार से ही बिलोंग करते हैं, तो भी हम मतलब हमारा मेहनत और हमारा हौसला और हमारा घर परिवार का सपोर्ट के अनुसार से जो है इतना हम आगे बढ़ पाए। घर में सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करते हैं? घर में अभी देखा जाए तो पहले मेरी मम्मी करती थी, गुजर गई, बट अभी मेरी वाइफ है और मेरे पापा हैं जो सपोर्ट करते हैं। भाई लोग क्या करते? भाई लोग ऐसे ही मतलब जो कूली काम करते हैं। कितने घंटे पसीना बहाते हैं आप मैदान पर? मिनिमम सर हम 6-7 घंटे। 6-7 घंटे। अगर इंडियन क्रिकेट टीम की बात की जाए प्लेयर्स में, तो कौन किसको आप फॉलो करते हैं? देख तो नहीं पाते हैं लेकिन अगर उनके बारे में जानकारी लेना हो या फिर उनको कॉपी करना हो या उनके रास्ते पर चलना हो तो कौन प्लेयर है? सर अभी देखा जाए तो अभी मैं जो है विराट कोहली को बहुत पसंद करता हूँ, और बॉलर में देखा जाए तो जसप्रीत बुमराह है जो हमारे इंडिया टीम का नंबर 1 बॉलर है, और अभी फिलहाल एक टूर्नामेंट भी देखे होंगे आप जो इंडिया और पाकिस्तान की मैच थी, कितने अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ विराट कोहली की है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वैसे ही हम भी जो है वर्ल्ड कप में अच्छा करें और अपने देश को कप दिलाएं। ये लगता है कि सुजीत की गरीबी जो है कभी भी सपने को सच करने में बाधा नहीं बन सकता? जी सर। क्या लगता है, गरीबी बाधा बना कर? सर गरीबी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कोई भी इंसान को कि हम गरीब हैं तो कुछ नहीं कर सकते, बस अपने पास मतलब एक हौसला होना चाहिए कि हाँ मुझे करना है। पर एक चीज़ मुझे कहना है हमारे CM साहब से या तो फिर और कोई भी नेता हो, हम दिव्यांग जैसे प्लेयरों को आगे बढ़ाने के लिए उन लोग को आगे आने के लिए बहुत आवश्यक मतलब ज़रूरी है, वो मुझे सपोर्ट करे, वो मुझे हौसला बढ़ाए ताकि हम और बेटर कर सके अपने स्टेट और अपने देश के लिए। सरकार से फिलहाल क्या मदद मिलती है? सरकार से सर देखा जाए तो अभी कुछ भी नहीं मिली है, मैं तो यही उम्मीद कर रहा हूँ कि सरकार आगे आए हमें सपोर्ट करे। जैसे अदर स्टेट में देखा जाए सर तो जो हमारे साथ जो खेल रहे हैं जो अभी 14 प्लेयर में जो सिलेक्शन हुए हैं अदर स्टेट से, उनको जो है सरकार बहुत सारे मतलब सपोर्ट मिल रहा है, तो उसी तरह जो अदर स्टेट वालों को मिल रहा है उसी हमारे स्टेट से उम्मीद है कि हमारा सरकार भी जो है हमें सपोर्ट करेगा। क्या कहना चाहेंगे जो शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, दिव्यांग हैं,
उनके लिए सुजीत का क्या मैसेज होगा? हमारा यही मैसेज होगा कि सर वो ये ना सोचे कि हम कमज़ोर हैं, बस अपना जो हुनर है उसको मतलब निकालना है। यदि हम अंदर ही रखते हैं तो फिर हम मतलब छिप जाती है बात। लोग सोचते हैं कि ये बोझ हो गया, ये इनको जो है बस घर पे रहना है। तो हमको खुद आगे आना है, कोई आगे लेकर के नहीं आएंगे। हमें खुद जो है अपना जो होश, जो अपने उमंग है, जो हम कर चाहते हैं, चाहे कोई भी चीज़ में, संगीत हो या तो खेल हो, कोई भी माध्यम से आपके पास जो भी हुनर है वो आप दिखाओ, उसके अनुसार से आगे बढ़ सकते हो। तो ये आपने बातचीत सुना सुजीत से कि किस तरह से अपने मनोबल को ऊंचा किया, सपनों को साकार किया। तो हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो तस्वीर दिखाए। इसी मैदान पर सुजीत जो है प्रतिदिन 4 से 5 घंटे तक पसीना बहाकर यहाँ तक के सफ़र को पूरा किया है। और पीछे की भी तस्वीर हम दिखाएंगे कि वो सकरी गली, वो छोटे से गली जो एस्बेस्टस के या फिर झुग्गी झोपड़ी कहें सीधे तौर पर, इसी मोहल्ले में रहते हैं सुजीत, और इसी छोटी से जगह से यहाँ तक के सफ़र को पूरा कर इस कामयाबी को हासिल किया है। सुजीत उन लोगों के लिए प्रेरणादायक हैं जो सारी सहूलियत रहते हुए भी सपनों को पूरा नहीं कर पाते। सपनों को साकार करने के लिए सुख सुविधा की ज़रूरत नहीं है, बस एक हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए और मनोबल को ऊँचा रखना चाहिए। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज 22 को रांची। टाइल्स जोन से सजाइए घर हो या ऑफिस। मार्बल, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, कदप्पा स्टोन, वॉल टाइल्स एंड फ्लोर टाइल्स, वॉलपेपर, वैनिटी, मॉड्यूलर किचन, सैनिटरी फिटिंग्स, एक ही छत के नीचे उपलब्ध है बड़े ब्रांड की वाइड रेंज। फेस्टिव सीजन में उठाइए आकर्षक ऑफर का लाभ। बेस्ट प्रोडक्ट इन अफोर्डेबल प्राइस। टाइल्स जोन, चिरौंदी, मोराबादी, रांची।